ये कौन सा टाइम है बेटे आने का? है? 20 मिनट बाद। हेलो एवरीवन, इससे बढ़िया बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो सभी को थैंक यू सो मच। मुझे ये तो पता था कि मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी तादाद में, इतनी जल्दी, इतने हाई रेट से बढ़ेंगे। तो सभी को थैंक यू सो मच। दूसरी बात, आप 64% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो एंड में कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो प्लीज़ हमें बताएं कि हम आगे कैसे इम्प्रूव करें। इस ब्लॉग के लिए मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इसमें मैंने एक जगह जहाँ पे स्मोकिंग की बात करी है, जो हमारे यूथ के लिए मैंने बोला है, उसमें मैं कोई भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सार्कास्टिक वे या फिर व्यंग्यात्मक पूर्ण तरीके से बोल रहा हूँ, उसमें मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। ये एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो के लिए। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें। हेलो, गुड मॉर्निंग। लेट कैसे हो गए? ये लेट उठाना बचता हूँ, अलार्म बंद करके सो गया। ये कौन सा टाइम है बेटे आने का? है 20 मिनट बाद। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो तमाकू खाते हैं, तो ये जो नशेड़ी वाले लोग होते हैं ना, ये ना एक उसका ना वो निकाल ही लेते हैं कि ये तो ऐसे करते हैं कि अगर आप तमाकू खा रहे हैं तो मेरे अपने दोस्त से पूछा, वो भी टीचर है, कि आप तमाकू क्यों खाते हैं? दांतों में कीड़े लगते हैं, दांतों में कीड़े लगते हैं जिनके दांत सही होते हैं, जो तमाकू से खराब कर देते हैं उनमें कीड़े नहीं लगते। और फिर आप ये भांग क्यों पीते हैं? ये तो भोले का प्रसाद है, ये तो भोले का प्रसाद है ना? नहीं तो जैसे कि भगवान इसी को देख रहे हैं कि ये पी रहा है कि नहीं पी रहा है। आपने आज क्यों पी? आज ओकेजन था, हम तो ओकेजनली पीते हैं, पर देयर इज ऑलवेज एन ओकेजन। तो ये प्रोग्राम में जैसे अगर आप दारू पी के नहीं गए तो फिर लोग आपको कूल थोड़े ना कहेंगे, अरे हम तो अभी क्या है ना भाई। मेरी क्लास में आप गेम खेल रहे थे तो बिना 50 रुपए के तो वॉच आएगी नहीं जाएगी नहीं। तो उस टाइम हम पढ़ा नहीं रहे थे। आपको टाइम जोन पता है? टाइम जोन में गेम खेलते हैं, है ना? अब मेरी क्लास में आप पढ़ाते गेम खेल रहे थे, अब पढ़ा नहीं रहे थे। अच्छा, पढ़ा नहीं रहा था मैं तो। चलो कोई नहीं, 50 रुपीज तो, और अपनी वॉच ले जाओ। अभी नहीं आया, सुबह सुबह नहीं बैठती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो जब आएंगे तब ले लेना, तब तक मैं एक नॉन मारू। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जुती कौन करता है? जब मैंने बोल दिया था कि मैं क्लास में गेम खेल रही, मैं गेम नहीं खेल रही थी यार। जब तक तू 50 रुपए नहीं देगी तब तक घड़ी नहीं मिलेगी बेटा, चाहे कुछ भी। सेम तेरे लिए भी बेटा, पैसे देगा घड़ी, घड़ी तो दे रखी है, पैसे देगा तभी घड़ी मिलेगी। मुझे पैसे नहीं दिए। तुम्हारे को दो दूसरे टीचर होते हैं स्कूल के जो डांटते हैं, ये मैं तो पैसे ले लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को तो बहुत स्वीट हो सर, बहुत स्वीट हो। मैं स्वीट तो हूँ बेटा, तो पैसे नहीं लेता है। ऐसे लेते हैं बेटा, क्यों नहीं लेते? गरीब आदमी कैसे खाएगा? गरीब लोग अपने अपने कोचिंग का रिजल्ट छाप रहे हैं, मेरा रिजल्ट मेरे बगल में बैठा हुआ है। रिजल्ट वो नहीं होता कि आप जेई मेंस निकलवाओ, नीट निकलवाओ, जो बच्चा फेल हो रहा हो उसको आप सिर्फ पास करवा दो, वो भी रिजल्ट कहला दे। सिर्फ आपने उस बच्चे के जीवन में क्या किया है वो बहुत मायने रखता है। एज अ टीचर मुझे मतलब उन बच्चों को पास करवाना है जो मतलब एक बार में नहीं हो पाते पास। मैं हो रही हूँ? नहीं, मैं तेरी तो बात कर भी नहीं ना, तू क्यों बोल रही है? मुझे क्यों दिखा रहे हो मेरे इस बात के बाद? चाहिए था। क्या चाहिए था? मिल गया। क्या मिल गया? सुकून। सुकून मिल गया? किसने दिया? आप दे रहे हो। अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा पढ़ा है, उतना हुई यार। अच्छा बताओ क्या? हाँ, ग्रेविटेशन चल रहा था। टाइम हो जाओगे सर, हो जाओगे यार, धूप में जाना ही पड़ेगा, क्या करें, बच्चों की पढ़ाई करें ना। ये लो, अब से क्लास में गेम खेला तो ऐसी अगली बार कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप मेरी क्लास में गेम खेलना चाहते हो तो गेम खेले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पैसे लूँगा, ठीक है? सारे बच्चे मेरे व्लॉग भी देखेंगे, सुनूंगा मैं लाइन से कि व्लॉग नंबर 3 में बताओ क्या।